हाय, वेलकम टू वी एल लर्नर्स. मैं रचना. हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू करें जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स रेगुलर अपलोड करेंगे. रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं. मोरओवर, हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें. उनके आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मिल जाएंगे. तो आइए देखते हैं लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स. देखिए, जो स्टेप्स हैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का, यदि इस फॉर्म का दिया गया है तब आपको ये डायग्राम यूज करना है, और यदि इस फॉर्म का दिया गया जिसमें कांस्टेंट राइट साइड में है, यदि ऐसा दिया गया तो आपको ये डायग्राम यूज करना है. याद रखिए, यहाँ नेगेटिव 1 होता है. और इस डायग्राम को जब आप यूज करेंगे तो याद रखिएगा कि डाउनवर्ड जो एरो है ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, माइनस अपवर्ड एरो जो है वो सेकेंड प्रोडक्ट है. नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस by substitution method and by cross multiplication method. हम इसको पहले substitution method से solve करेंगे. So ये हमारा first equation है and this is the second equation. यहाँ मैं second equation को लिख सकती हूँ, thrice x is equals to 4 minus twice y. Therefore x is equals to 4 minus twice y divided by 3. Here I have found the value of x in terms of y. So इसको मैं third equation मान लेती हूँ. Now substituting the value of x in terms of y in equation 1. We get equation 1 है 8 into x. x की जगह मैं लिखूंगी 4 minus twice y by 3. Now plus 5y equals to 9. Implies अब इसको मैं 8 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करती हूँ. सो दिस इज 32 माइनस 16 y, और हमें डिनोमिनेटर में है 3. इसका मैं एलसीएम ले लेती हूँ यदि, तो दिस इज 15 y इक्वल्स टू 9. इम्प्लाइज दिस इज 32 माइनस y बाय 3. इम्प्लाइज यदि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, सो दिस इज 32 माइनस y इक्वल्स टू 27. Implies minus y equals to 27 minus 32 equals to minus 5. यहाँ देखिए, इस negative से इस negative को मैं cancel कर सकती हूँ. Therefore y is equals to 5. मुझे y की value मिल गई और वो है 5. Now substituting the value of y in equation 3, we get equation 3 is x is equals to 4 minus 2 into y की जगह मैं 5 लिख दूंगी, divided by 3, minus 6 by 3. इसको मैं cancel कर सकती हूँ. ये देखिए, यदि मैं cancel करती हूँ, I'll get minus 2. Therefore, x is equals to minus 2. अब देखिए, यहाँ मेरी values क्या मिली है? x की value minus 2 मिली है और y की value 5. आंसर. अब आइए इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं. ये जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको देखिए, ये किस फॉर्म का है? ये इस फॉर्म का है, राइट, सेकंड फॉर्म का, क्योंकि इसके कांस्टेंट्स राइट साइड में है, दोनों के कांस्टेंट राइट साइड में है, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ देखिए, हमें 1 के आगे एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा. अब यहाँ कंपेयर कीजिए इससे, तो हमें समझने में आसानी होगी. सो हियर बी सब 1, सो बी सब 1 से हम स्टार्ट करते हैं. तो बी सब 1 दिस इज 5, देन सी, देन ए, देन अगेन बी. ये साइक्लिक है. सिमिलरली अब सेकेंड इक्वेशन का है बी बी सी ए, देन अगेन अगेन बी. इम्प्लाइज अब मैं इसको लिख सकती हूँ, एक्स बाय डाउनवर्ड एरो जो है वो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है. सो 4 इंटू 5 माइनस सेकेंड प्रोडक्ट, अपवर्ड एरो सेकेंड प्रोडक्ट है, 9 इंटू 2 इक्वल्स टू वाई बाई 9 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 4 इक्वल्स टू माइनस 1, 8 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 3. इम्प्लाइज एक्स बाय 20 माइनस 18 इक्वल्स टू वाई बाय 27 माइनस 32 इक्वल्स टू माइनस 1, दिस इज 16 माइनस 15. इम्प्लाइज 8 बाय 2 इक्वल्स टू
y by minus 5 equals to minus 1 by 1. इसको मैं यदि कैंसिल करती हूँ, I'll get minus 1. Implies x by 2 is equals to minus 1 and y by minus 5 is equals to minus 1. Therefore, x is equals to cross multiply कीजिए, x is equals to minus 2 and y is equals to minus into minus plus हो जाएगा, so y is equals to 5. Answer. So, यहां मुझे x की value minus 2 मिली और y की value 5 मिली. अब देखते हैं कि हमने जो पहला method से solve किया था, वहां हमें क्या values मिली थी? X की value minus 2 थी और y की value 5. आइए अब देखते हैं आज के सवाल. आप जल्दी से कमेंट में इनकी रिप्लाई करें. मोरोवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं, सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें. सो आज के लिए यहीं तक. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.